हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहर। रामजी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज पापा बाजार गए हैं दोस्तों, तो पापा क्या क्या लेके आएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइनली पापा ये बाजार से आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं पापा क्या क्या लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, राजकुमार कैसे खुशी से नाच रहा है क्या लेके आए हैं बोल के, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, राजकुमार चेक कर रहे हैं इतना जल्दी आते ही आते। ये देखिए पापा, ये देखिए, देखिए राजकुमार क्या। देखिए दोस्तों, पापा अभी झोला से सामान सब निकाल रहे हैं। एक कद्दू है दोस्तों, 1.5 kg है, 20 रुपया का। ये संधना है दोस्तों, 1 पाव, 15 रुपया का। ये करेल का है, ये दिखाएंगे आप लोग को इसको बनाते हुए। अब इधर करेला ले लिए हैं, देखिए 30 रुपये kg। और इधर ये देखिए टोटी कुच्चू, 20 रुपये लिए हैं। इधर मकई है दोस्तों, मकई 15 रुपये kg। टमाटर दोस्तों 25 रुपये kg। और बस आज जितने सब्जी लाए हैं, सप्ताह में 2000 करते हैं तो हो जाता है। ये देखिए यही सब लाए हैं दोस्तों, ये अभी चलेगा। ये है तो इसको लगते हैं अब दूसरा। राजकुमार इधर मकई छील रहा है दोस्तों, ये देखिए आराम से बैठ लिया है यार। राजकुमार यहाँ चार चार को छील के हट गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ रख दिया है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आग जला लिए हैं मकई पकाने के लिए। मकई नहीं, भुट्टा है, भुट्टा जिन्हार। चार आदमी के लिए 4 भुट्टा। बड़ा आदमी बड़ा को खाएगा, उससे छोटा आदमी छोटा को, उससे छोटा छोटा को। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, पापा कैसे पका रहे हैं। ये चारों भुट्टा पक के रेडी हो गया दोस्तों, इधर रख दिया हूँ। अब ये काला नमक है, ये नींबू इसमें डाल लेता हूँ। तो ऐसा करना है, ये नींबू काट दिया दोस्तों, ये काला नमक ये हो गया, इसमें लगा दिया का छिलका रखा हुआ हूँ। तो देखिए इसमें ये नींबू और नमक को इसको रगड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, राजकुमार को रगड़ेगा इसमें, देखिए कैसे एकदम एक्शन से रगड़ रहा है। हो गया, अब खाओ। ये बड़ा है, मैं बड़ा हूँ तो ये मेरा रहेगा। अच्छा कैसा लग रहा है, कैमरा में बता दो। इसके कवर में ही खाने में मजा आता है दोस्तों। राजकुमार के दांत में फंस गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये संधना है,
करील का को ही ये कूटते हैं दोस्तों, या तो ये मशीन से भी इसको ये छिलते हैं, ये छिला जाता है। और ये कूटा हुआ नहीं है दोस्तों, ये मशीन से छिला हुआ है। ये देखिए, इसको छील के 24 घंटा रख देने से और अच्छा हो जाता है दोस्तों। और इसका आप आराम से भुजिया बना के मस्त खा सकते हैं, खट्टा खट्टा लगेगा, मस्त लगेगा। तो पहले इसको धो लेंगे दोस्तों, मार्केट का है ये, एक पाव है तो इसको 15 रुपये लगा है, मतलब 60 रुपये केजी। ये संधना को धो लिए हैं दोस्तों, और इसको भूजते हैं। तो पहले तेल डालते हैं दोस्तों, गरम हो चुका है दोस्तों तेल, इसमें डालते हैं ये मिर्चा, प्याज, लहसुन है। प्याज भुजा गया दोस्तों, इसमें मसाला डाल देते हैं। भुंजिया है तो कम ही डालेंगे, तो कम है मात्रा तो कम ही डालेंगे दोस्तों। ये देखिए इतना में हो जाएगा दोस्तों। हल्दी भी कम ही डालेंगे, इतना में हो जाएगा दोस्तों। मिला देते हैं, अब भुजा गया दोस्तों, और इसमें डालते हैं इसको संधना को। ये देखिए दोस्तों, नमक डाल देते हैं दोस्तों, नमक डाल दिए दोस्तों, ये खट्टा है इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा डालें। अब इसको ढक देते हैं ताकि बढ़िया से पक जाएगा, तो ढकते हैं दोस्तों। फाइनली संधना पक चुका है दोस्तों, ये देखिए जब से डाले हैं तब से ये आधा घंटा हो चुका है, ये पूरी तरह पक गया है। अब उतारते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा रेडी हो गया है, ये संधना रेडी हो गया है। इधर टमाटर की चटनी है, इधर कच्चू है, चावल है। तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ दोस्तों। पहले ये देखें, मस्त था। फाइनली खाना खा लिया दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।